जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर आर्ट टॉपर पर। दोस्तों, शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप अपने इस प्यारे से YouTube यानी आर्ट टॉपर को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो अलंकार पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, यानी अलंकार मीन्स होता क्या है। तो देखिए, अलंकार जो होता है अलम धनकार से मिलकर बना होता है। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, यानी सुशोभित करने वाला आभूषण, यानी अलंकार मतलब होता है आभूषण। तो हम इसका परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी जो हमारा हिंदी होता है, हिंदी काव्य होता है, वही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो आज हम इसमें जो है अलंकार के जो है चार प्रमुख अलंकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला अलंकार है वो हमारा है अनुप्रास अलंकार, और दूसरा हमारा अलंकार है यमक अलंकार, और तीसरा हमारा जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार, और चौथा हमारा जो अलंकार है वो हमारा रूपक अलंकार है। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो हम अलंकार लेंगे वो हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं कि देखिए, अनुप्रास पहले इसको समझिए। देखिए, अनुप्रास यानी अनेक बार, यानी अनुप्रास का मतलब आप समझ लीजिए अनेक बार। तो अनेक बार क्या, तो समझिए पहले परिभाषा में, जैसे कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब जो हमारा एक वर्ण होता है उसकी जो है बार बार क्या हो, आवृत्ति, यानी बार बार उसे क्या हो, दोहराया जाए, तो वो हमारा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और उसका एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। देखिए, उदाहरण क्या है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यानी भगवान श्री कृष्ण निवास कह रहे हैं कि हे मैया मैंने नहीं माखन खाया। तो इसमें उदाहरण देखिए कि म जो है वर्ण कई बार आया हुआ है, तो यह हमारा क्या है, एक अनुप्रास अलंकार है। और आप इसमें स्पष्टीकरण इस प्रकार से दे सकते हैं कि इस पंक्ति में म वर्ण की जो है आवृत्ति हुई है और बार बार हुई है, तो यह हमारा ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। आप अनुप्रास अलंकार समझिए कि अनेक बार। और दूसरा अब हम बात करने वाले हैं यमक अलंकार। तो देखिए, यमक अलंकार में एक बात आप समझ लीजिए कि यमक अलंकार होता है एक छोटा साइज के, मतलब रख लीजिए दो या जोड़ा, मतलब यमक अलंकार जो है दो या जोड़ा होता है। जैसे कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी यमक अलंकार ये है कि जहाँ कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका जो अर्थ है अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, उदाहरण ये है कि सजना है मुझे सजना के लिए, यानी सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ देखिए, जो हमारा सजना है कितने बार है, दो बार है, और दोनों में इसका जो अर्थ है वो अलग अलग। एक सजना है तैयार होना और एक सजना का मतलब है पति। तो आप समझ गए होंगे कि यमक अलंकार मतलब होता है दो या जोड़ा, और यहाँ जहाँ कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न अर्थ में क्या हो, प्रयोग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। और एकदम साधारण उदाहरण हम आपके लिए लाए हैं, एकदम साधारण सजना है मुझे सजना के लिए। तो आप इसमें स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं कि एक सजना का मतलब होता है तैयार होना और एक सजना का मतलब होता है पति। और अब हम तीसरे अलंकार के बारे में बात करने वाले हैं, वो जो हमारा है श्लेष अलंकार। यानी श्लेष अलंकार क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। श्लेष अलंकार यानी जहाँ कोई शब्द एक ही बार आया,
यानी श्लेष अलंकार में बात समझ लीजिए कि जहाँ कोई शब्द जो है हमारा, कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, यानी एक बार आया जरूर हो लेकिन उसका जो है अर्थ जो है एक से अधिक निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब इसे उदाहरण माध्यम से इस प्रकार समझिए कि जहाँ गाठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई, मतलब जहाँ गाठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई। तो इसमें ये देखिए जो हमारा गाठ शब्द है वो एक ही बार है लेकिन जो इसका अर्थ है वो अलग अलग। एक गाठ में क्या होता है हमारा इस्या, और एक गाठ में हमारा क्या होता है गन्ने का जोड़, गन्ने का जोड़ होता है हमारा। तो आप श्लेष अलंकार समझ गए, मतलब कि जहाँ कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका जो अर्थ है वो एक से क्या हो अधिक हो, तो हमारा श्लेष अलंकार कहलाता है। और उदाहरण एकदम सरल आपके लिए हमने बहुत मेहनत करके ये लिया है, जहाँ गाठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई, स्पष्टीकरण में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और चलिए हम चौथा बात करते हैं, चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा है रूपक अलंकार, यानी रूपक, रूपक यानी इसमें रूपक का मतलब रूपक में अलंकार में एक प्रकार का विरोधाभास है। जैसे कि जहाँ उपमेय में उपमान का, यानी जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ क्या हमारा होता है रूपक अलंकार होता है। अच्छा पहले आप समझिए उपमेय क्या होता है, उपमेय वो होता है जिसके लिए उपमा दी जाती है, यानी जिसके लिए हम उपमा दी जाती है उससे हम क्या कहते हैं उपमेय कहते हैं। और उपमान क्या होता है, उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है, यानी उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है वो हमारा क्या होता है उपमान होता है। तो यह हमारा क्या हो गया रूपक अलंकार हो गया। अब इसका उदाहरण और बढ़िया समझते हैं, उदाहरण को पहले देखिए, चरण कमल बंधो हरि राहि, यहाँ पर जो है चरण का कमल के साथ क्या है एक प्रकार का आरोप है यानी विरोधाभास है। और स्पष्टीकरण देखिए आप किस प्रकार करते हैं कि यहाँ जो है चरण जो है हमारा उपमेय हो गया, को कमल यानी उपमान मान लिया गया, अर्थात चरण पर कमल का क्या है आरोप है यानी विरोधाभास है। यहाँ पर जो है चरण का कमल के साथ क्या है आरोधा यानी विरोधाभास है। तो आप जो है रूपक अलंकार को समझ गए होंगे। तो देखिए इन चारों को अगर आप तैयार कर लेते हैं, यानी इन चारों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है इन चारों को अगर तैयार कर लेंगे आपका जो है दो नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा, दो नंबर आपसे कोई बोर्ड एग्जाम में नहीं ले सकता। और आप इसी प्रकार तैयारी करते रहिए, और हम अगला वीडियो लाने वाले हैं रस पर, उसके लिए आप लोग तैयार कर लेंगे। और हाँ एक बात और, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि आपको जो है यमक और श्लेष यानी यमक और जो है श्लेष अलंकार के बारे में जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो आपको समझ में आया कि नहीं, यानी यमक और श्लेष अलंकार बारे में जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो आपको समझ में आया नहीं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए जय हिंद।